सो गाइज फिर से आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ आपके पास। यार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन वन प्लस नाइन के बारे में, क्योंकि गाइज इसके पिछले हफ्ते जो है पेटेंट्स बाहर निकल के आया। जब मैंने वो पेटेंट्स देखा तो मुझे समझ में आ गया कि जो डिज़ाइन होगा वन प्लस नाइन का वो बैक साइड से चेंज देखने को मिलेगा। मतलब चेंज नहीं, नॉर्मली उसी तरह का वन प्लस एट टाइप डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन कैमरा सर्कल जो है वो थोड़ा चेंज किया गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। ये कोई ऑफिशियल पैटर्न्स नहीं है, ये लीक्स हैं, उसके अनुसार बात कर रहे हैं यार। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की भी जानकारी बाहर निकल के आई है, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च किया है, उसके अनुसार बात करेंगे गाइज कि ये जो अपकमिंग वन प्लस नाइन और नाइन प्रो जो स्मार्टफोन होने वाले हैं उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे। तो गाइज यार हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं, तो बता दूं यार मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हो टेक पॉइंट। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइज अगर बात करें सबसे पहले फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिज़ाइन होने वाला है वन प्लस नाइन और नाइन प्रो का, दोनों का डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है। मतलब पीछे की तरफ जो है डिज़ाइन जो देखने को मिलेगा वन प्लस नाइन का, वो जो कैमरा सर्कल है वो आईफोन की तरह आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, आईफोन की तरह सर्कल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैमरा सर्कल देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके का कैमरा सर्कल पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और वन प्लस नाइन प्रो के बारे में बात करें तो उसमें थोड़ा चेंज है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। डिज़ाइन जो है थोड़ा चेंज किया गया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। और वन प्लस नाइन प्रो उसमें जो है कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी, और जो वन प्लस नाइन है इसमें जो है आपको वन प्लस एट टी के जैसा स्क्रीन दी जाएगी, और दोनों भी फ़ोन में जो है पंच होल कटआउट दिया जाएगा। और अगर वहीं बात करते हैं दोनों भी फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो वन प्लस नाइन में जो है 6.55 इंच की फुल HD प्लस OLED स्क्रीन इसमें दी जाएगी। डिस्प्ले में जो है 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा। साथ ही अगर बात करें वन प्लस नाइन प्रो के बारे में, तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 6.67 इंच की फुल HD प्लस OLED स्क्रीन इसमें दी जाएगी, और इसमें जो है 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोनों भी फ़ोन में जो है रिफ्रेश रेट किसी में 120Hz किसी में 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है, और OLED स्क्रीन भी दी जा रही है, तो अच्छी बात है। और अगर बात करें फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो इस बार जो है वन प्लस नाइन में जो है ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें कि जो प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का इसमें दिया जाएगा, और जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो भी 48 मेगापिक्सल का दिया जा सकता है। और ये बेसिकली वाइड एंगल सेंसर होगा। जो थर्ड सेंसर होगा वो 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगर बात करें वन प्लस नाइन प्रो के बारे में जो है, इसमें मुझे लगता है कि इसमें भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का इसमें देखने को मिलेगा, और जो सेकेंडरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का इसमें देखने को मिलेगा, ये वाइड एंगल सेंसर होगा। थर्ड सेंसर होगा वो 12 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा, या फिर 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल सकता है, और जो फोर्थ सेंसर होगा वो 5 या 8 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। और दोनों भी फ़ोन में फ्रंट में जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। तो गाइज अगर आने वाले फ़ोन में ऐसे कैमरे के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और अगर बात करें वही फ़ोन के कनेक्टिविटी के बारे में, तो 5G फ़ोन होगा, तो फ़ोन में जो है 5G वाईफाई ब्लूटूथ टाइप सी 4 और GPS जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि हमेशा दिया जाता है। और सेंसर के बारे में बात करें तो वन प्लस के फ़ोन है तो लगभग सभी के सभी सेंसर आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे गाइज एक बात बता दूँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। साथ ही अगर बात करें इस फ़ोन के बैटरी के बारे में, तो इस बार जो है वन प्लस नाइन में 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, और जो वन प्लस नाइन प्रो है इसमें जो है आपको 4810 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। और दोनों भी फ़ोन में जो है 65W की डैश चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। और वहीं गाइज अगर आगे बढ़े बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो बता दूं यार कि इस बार जो है मुझे लगता है कि वन प्लस नाइन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865+ का चिपसेट दिया जाएगा, और जो वन प्लस नाइन प्रो होगा उसमें जो है 875 का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। और वन प्लस नाइन को 6GB 8GB
128GB 256GB वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है और OnePlus 9 Pro को 8GB 128GB 8GB 256GB वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगर बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में तो कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग जो है गाइज इन दोनों फोन को मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज यही थे इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस की जानकारी। तो बता दूं यार कि ये जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया मैंने पिछले OnePlus 7 सीरीज के फ़ोन और OnePlus 8 सीरीज के फ़ोन को देखकर मैंने इस स्पेसिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को दी है। मुझे लगता है कि जो भी स्पेसिफिकेशन होंगे OnePlus 9 सीरीज के, तो बता दूं यार कि इन दोनों फ़ोन के मुझे लगता है कि 90% स्पेसिफिकेशन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे क्लिक करो। कोई सुझाव है कमेंट कर देना और हो सके तो यार वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।